मैं हूं विजय। जैसा कि दोस्तों कोरोना वायरस के कहर के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है और उसके बाद आप जाकर कहीं अलग अलग जोन में सभी क्षेत्रों को बांटा गया, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, जो कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के संख्या के हिसाब से। लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन में जो कि हमें सबसे बड़ा तोहफा मिला वह कुछ सीरियल थे, यानी महाभारत, रामायण, शक्तिमान, चाणक्य और कल से स्टार्ट हुआ कृष्णा सीरियल जो कि 1993 में आया था। ये हमें दूरदर्शन पर देखने को मिले और कुछ डीडी भारती पर भी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हमारे जो हमेशा सीरियल हम देखते आए हैं उन सीरियल ने हमें अचानक से अलविदा कह दिया। जैसा कि दोस्तों सोनी टीवी पर चलने वाले दो सीरियल जो कि सभी के फेवरेट थे, सभी को इसके आने वाले ट्विस्ट का इंतजार था, दोनों हमें अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों पहला तो सीरियल पटियाला बेस, जिसे अचानक से ही बंद कर दिया गया और अनाउंसमेंट की गई कि अब ये सीरियल लॉकडाउन के बाद भी स्टार्ट नहीं होगा और इसे लगभग डिब्बा बंद यानी बंद कर दिया जा चुका है। उसके पीछे कई सारे कारण थे दोस्तों, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसी के साथ सीरियल बेहद, वह भी अब हमें शायद ही लॉकडाउन के बाद देखने को मिले और वह भी पूरी तरीके से अब बंद हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों इसकी ऑफिशियली तौर पर भी अनाउंसमेंट लगभग की जा चुकी है, यानी पटियाला वेब सीरियल तो डेफिनेटली बंद हो चुका है और बेहद सीरियल के भी कुछ इसी प्रकार से सामने आ रही है रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के बाद लौटने वाला एक ऐसा टीवी शो जो कि इन सभी चीजों की भरपाई कर देगा, बात करेंगे उसके आने आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि आखिरकार सीरियल बेहद और पटियाला वेब को बंद क्यों किया गया। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि सीरियल बेहद जो कि काफी ज्यादा शानदार चल रहा था, एमजे और माया आमने सामने थे और दोनों में से किसी की भी हार और जीत हो सकती थी, दोनों टक्कर के खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों स्टोरी को लेकर काफी सारे चेंजेस इसमें आए और वहीं पे दोस्तों इसकी जो प्लेटफॉर्म है यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की भी इसमें बात सामने आई थी, यानी सीरियल से जुड़े कई सारे मामले थे जो सामने आए, यानी सीरियल में पहले से ही काफी ज्यादा मतभेद चल रहे थे, काफी सारी गड़बड़ियां चल रही थी। क्योंकि जहां पर बीच में अनाउंसमेंट की गई थी कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगा, यानी हमें ऐप पर देखने को मिल सकता है ये सोनी लिव ऐप पर, लेकिन उसके बाद ये बात भी कंफर्म नहीं हुई और ये टीवी पर रहा और फिर अब इसे अचानक लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया क्योंकि शूटिंग नहीं हो पा रही थी। और वहीं पर सीरियल पटियाला वेब्स के बारे में बात करें तो दोस्तों हम सभी को पता है कि पहले परिधि शर्मा ने स्क्रिप्ट को देखते हुए सीरियल को छोड़ दिया था क्योंकि इसको उनको स्क्रिप्ट में दम नहीं लगा और स्क्रिप्ट जैसी उन्हें बताई गई थी उससे बिल्कुल अलग थी, जिसके बारे में हम पहले कई सारे वीडियोज में बात कर चुके हैं। दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण दो सीरियल को बंद किया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों लॉकडाउन के चलते काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और केवल सोनी की नहीं बल्कि कई और भी चैनल्स के सीरियल जो है वह लगातार अब बंद होने की संभावना पर आ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल शूटिंग बंद है और मुंबई में तो शूटिंग स्टार्ट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पूरा मुंबई रेड जोन में शामिल है। तो दोस्तों इसी के बीच खुशी की खबर यह है कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनका केबीसी फिर से स्टार्ट होने वाला है और 19 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन भी आपको सोनी पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन हमेशा की तरह ही होंगे, आप इसके क्वेश्चन के जवाब देकर इसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, अगर आपकी किस्मत हुई और आप में नॉलेज हुई तो आपका नंबर जरूर आएगा। और वहीं पर दोस्तों सोनी लिव पर भी इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, वहां पर भी आप इसके वो जो क्वेश्चन होते हैं उसे देखकर उनके जवाब देकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, आपके पास तुरंत उसका मैसेज आ जाता है कि आपका नाम जो है आपका जो मैसेज है वह सीन कर लिया गया है और हाथों हाथ रिप्लाई भी आता है, थैंक्स लिखा आता है कि आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ चुनिंदा लोगों को कंप्यूटर द्वारा चुना जाता है और केबीसी में जाने का मौका मिलता है। दोस्तों आई थिंक आप भी इस मौके को खोना नहीं चाहेंगे और जरूर रजिस्ट्रेशन करेंगे केबीसी का इस न्यू सीजन का, क्योंकि दोस्तों केबीसी इन दो सीरियल की पूरी तरह भरपाई कर देगा, क्योंकि अगर ये दो सीरियल खत्म नहीं भी होते तो भी केबीसी आने पर किन्हीं दो सीरियल को हटा दिया जाता, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कोई ना कोई सीरियल हमें बीच में छोड़कर चला जाता है क्योंकि केबीसी की जगह जो है वह सोनी पर कंफर्म है, क्योंकि वह अमिताभ बच्चन का शो है और कितना फेमस है हम सभी को पता है। दोस्तों आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट बताइए और अपने विचार मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से रखूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।